क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.8 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, हमें ये बताना है कि इस बाउल में जो है कितना कितने लीटर मिल्क आ जाएगा। तो जब भी हमें ऐसा कुछ निकालना होता है कि किसी बर्तन में कितना पानी आ जाएगा या कितना दूध आ जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस बर्तन का या उस वेजल का, उस बाउल का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम के लिए काम करेंगे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर, डायमीटर को हम यहाँ पर हमने लिख लिया है डी इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर है, तो तुरंत उसके बाद क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। आर होता है डी अपॉन टू, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ चुकी है, तो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल जो होता है, कोई भी हेमिस्फेरिकल अगर चीज़ होती है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 को आप ऐसे ही रखेंगे, पाई कितना है आपके पास, 22/7 होती है पाई की वैल्यू, आर आपके पास कितना है, 10.5/2 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये 2/3 को आप ऐसे ही रखें, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10.5/2 और मल्टीप्लाई 10.5 और अपॉन में 2। क्या कर लेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 है। ठीक है, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम ख़त्म हो जाएगा, 3 से ये 3 ज़ा 9 और 1 बचा 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अगर हम 7 से इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 11 मल्टीप्लाई और यहाँ पर बचेगा 0.5 और मल्टीप्लाई यहाँ पर बचेगा 10.5 और मल्टीप्लाई 10.5 और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6063 75 और 0.1 और 12 और 13, 3 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 0 2 3 ज़ा 6 0.2 1 ज़ा 2 और 1 बचा 17 2 8 ज़ा 16 और 1 बचा 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ये 303.1875। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ चुका है। अब आपको ये पता है कि अगर कभी भी किसी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम उस सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आंसर आया है उसके अपॉन में हम 1000 लगा देते हैं और वो जो है लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है यहाँ पर 1 के साथ, तो 3 डिजिट आगे पॉइंट पहुँच जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.303.1875 और पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता, तो 0 लीटर। अब देखिए, इतना लंबा आंसर लिखना ज़रूरी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 या 4 डेट तक आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लीटर ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।